क्योंकि पत्नी के प्रेम प्रसंग को देखते हुए जो है एक पुरुष ने जो है वो आग लगा ली है। अभी अगर हम लोकेशन की बात करें तो चरखी दादरी का जो इलाका है, महेंद्रगढ़ चुंगी के आसपास जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उसमें हम जो है लॉकडाउन के लिए एक जायजा करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन तभी जो है वो एक पुरुष हमने देखा कि जो है उसकी जो है वो जड़ी हुई है। उसके बारे में बातचीत की तो जो उनके परिवार के हैं, उनके जो है घर परिवार के लोग, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मामला था। तो पूरे मामले की जो है वो बात इनसे पूछेंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको हालत दिखाऊं, दिखाने लायक तो नहीं है, लेकिन एक बार जो है वो एक बार हालत आप देख सकते हो। जो हालत है भाई वो बहुत ही दर्दनाक जो है वो हालात हैं। पूरा जो शरीर है वो जला हुआ है, और ये किसके कारण जला हुआ है या क्या कुछ है उसके बारे में भी हम इनसे चर्चा करेंगे, पूरे मुद्दे को लेकर इनसे चर्चा करेंगे। क्योंकि इनके परिवार के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, जो पुरुष हैं उससे भी हम बातचीत करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा, क्या कुछ मामला है? जो भाई है काफ़ी विकट समस्या में है, पूरा शरीर जो है वो जड़ा हुआ है। हाँ। तो उसके बारे में क्या पूछ जी? ये काम करने जाया करता मजदूरी का रोड, ये एक कुंडे ढोया करे, मिस्त्रियाँ के साथ घर मकान बनाते हैं जो, उनके साथ मजदूरी पे जाया करता है ये। तो वहाँ से आया तो इसकी लुगाई किसी और आदमी के साथ देखी हुई थी भाई ने, इसने भाई ने देख ली। अच्छा। मेरे लड़के ने देख ली। देखने के बाद में ये ऐसे बोला, अग भाई ये कौन है? तो वो नू बोली तू बैठ जा, तेरे को के मतलब कोई और कोई ना। ये नू बोला के ऐसे कैसे बैठ जाऊं? बोला के ये आदमी कौन है? तो इसकी साड़ी उठ के ऐसे बोली, बोले के तू मान जा, नहीं मानेगा ना तो तेरे को जान से मार देंगे। जान से मार देंगे तो धमकी दी इसके उसके लड़के ने भी दी, अरे उसने भी दी धमकी, इसकी साड़ी ने भी। अच्छा। वो सुमन कटारिया जो प्रधान बनी हो रहे वो बोली, तो ये ऐसे बोला कि तुम क्या मारोगे, मैं खुद ही मर जाऊंगा। अच्छा। हाँ ऐसे बोला, ये आप क्या मारोगे, मैं खुद ही मर जाऊंगा। फिर उसको इसको जी ये सारे कुंबे ने यो मारा पीटा सब चीज। फिर यो चीज वस्तु भी लाया था खाने के लिए बच्चों के लिए, वो भी सारा काम करा करता, मेरे से भी खुद पैसे लेके जाया करता, उन्हीं को खुआया करता, फिर भी इसको मारा पिटा करते। अच्छा, उनके बच्चे भी पहले अगर चलो वो तो भाई केस वगैरह भी आपने कर रखा हुआ है, सारा काम हो रखा नहीं जी, केस नहीं, उनने बिल्कुल होश भी नहीं था, इस पे सैन मरवा लिया, हमारे को क्या पता ये अनपढ़ था। अगर भाई ये किस चीज पे बोला के मैं तो मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ भाई, तू सैन कर दे, सैन मार दिए इसने। आगे जाके देखा तो मैं वो छोड़ के चली गई, तो बोले राजीनामा हो रहा है तुम्हारा, तो हमारे से बोले राजीनामा हो रहा है। राजीनामा इसने खुद ने कर नहीं रखे, ना मेरे माँ के सहन है, ना भाइयों के सहन है, किसी का सहन नहीं है, इस पे लगवा रखे हैं झूठे। अच्छा भाई जी इधर आ जाओ, यहाँ पे आप ही रहते हो साथ में? ना मैं ही रहती हूँ। अच्छा, इसकी सेवा पानी वैसे अभी आप ही कर रहे हो? हाँ मैं ही करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि चलो वो तो आगे की बात हो, इस भाई का जो इलाज है हाँ। वो कहाँ से अभी चला हुआ? अब रोहतक से यहाँ छुट्टी दे के चले गए, मैं खुद कर रही हूँ डॉक्टर, ये पट्टी पुट्टी भी मैं करती हूँ, इसको सेवा पानी भी इसकी मैं कर रही हूँ। डॉक्टर क्या बोल रहे? डॉक्टर बोले के भाई बचेगा तेरे किस्मत, ना बचेगा वो तेरे किस्मत है, ये बोल रहे हैं जी। पैसे भी खूब लगा रही हूँ, किसी से उधारा फैनस के ठा के लगाती हूँ, कभी किसी पड़ोसी से मांग के लगाती हूँ, ऐसे बार बार में भी देवेगा भी कौन, जब मेरे पास घना ही कर्जा चढ़ जाएगा, जब दुनिया भर के पैसे लगा लिए साहब मैंने। भाई ये हालात जो है वो चरखी दादरी की महेंद्रगढ़ चुंगी के आस पास जो झुग्गी झोपड़ी है उसके हालात जो थे वो हमने दिखाए। एक बार फिर से मैं एक बार कैमरा पर्सन को कहूँगा, भाई के जो हालात है वो बद से भी बदतर है, पूरा शरीर जो है भाई वो जला हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ही तकलीफ जो है, क्योंकि गर्मी का माहौल है, गर्मी में अगर पसीना भी आए तो भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है, लेकिन ये तो जला हुआ शरीर है जी। वैसे जो है खाज खुज ले जाती तभी दिक्कत होती है, अभी तो जो है सारी स्किन त्वचा जो है वो जड़ी हुई है, चैने नहीं पड़ती साहब इसको गर्मी में, तो ये पाड़ पाड़ के मरता है। हमारे पास क्या साधन है, किसी चीज का साधन नहीं है, गर्मी में इसको चैन नहीं पड़ती बिल्कुल भी, जो थोड़ा सा कूलर चला देते हैं तो जब तो थोड़ी बहुत चैन आ जाती है, नहीं तो चैन ही नहीं पड़ती इसको तो किसी चीज की। और हमारे पास क्या है, झुग्गी झोपड़ी है और क्या है, उसके पास तो सब किमे वाली है, धन वाले हैं वो तो धंधा करती है वो तो। क्या कुछ कहोगे भाई? उसके भाई थे, भाई मैं तो इसे कितनी बेचारे की सुनाई हो इसकी बीच। मैं वो तो भाई भी है, उसके भाई भी मारा करते, उसकी साड़ियों के लड़के भी मारा करते, साड़ी भी मारा करती, साड़ी की लड़की भी मारा करती, वो खुद भी मारा करती,
सुमन कटारिया है सुमन। अच्छा, हाँ उनके पर। अच्छा भाई अभी जो हो बोल सकते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, बोल सकते हो? हाँ बोल सकता है। तो भाई इनसे भी एक बार जो है वो देखो, हिम्मत तो नहीं होती है बातचीत करने की, क्योंकि स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है भाई। बात करने की हिम्मत हमारी एक्चुअल में नहीं है क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। अच्छा भाई जी, कैसे क्या कुछ हुआ पूरा मामला? जी ऐसा हुआ था जी, हमारे घर में बोल चाल है सुमन कटारिया के साथ। अच्छा, उसने अपना लड़का अपना बुला लिया, उसका लड़का है बदमाश। अच्छा, वो नशे करता है, छिट्टा ही पीता है, इंजेक्शन भी लगाता है, बहुत सारे नशे करता है, चोरियां भी करता है। जो रेल निकलती है ना, जिसमें खाद वगैरह गेहूं वगैरह कटे जाते हैं, वो भी निकालते हैं जी वो। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने अपने लड़के को बुला के उन्होंने मेरे साथ में मारपीट की। तो मैंने सोचा मैं चल क्या फायदा, चल तू यहाँ से निकल। तो मैं वहाँ से गया, पाँच चार दिन बाहर रहा, मंडी में रहा मैं। मंडी में रहा तो मैं कभी 400 कभी 500 कभी 400 कभी 500 दाढ़ी मजदूरी करता था। अच्छा, अपना जो भी 150 150-200 होते थे मेरे पास, मैं बच्चों को दे कर करे वापस मंडी में पहुंच जाया करता। तो उसके दो दिन बाद सर, उसकी बहन है नगीना, उसके घर वाला है तांत्रिक। अच्छा, हाँ जी, वो है तांत्रिक, वो इधर की इधर कर, इधर की इधर लगा देता है, इधर की इधर लगाता है, कभी किसी के ऊपर घायल छोड़ देता है, कभी किसी के ऊपर कुछ छोड़ देता है जी। तो उन्होंने उस दिन क्या किया, चार पांच पुलिस वाले अपना सब्जा मंडी से वहाँ पर चौकी वही लगती है जी, वहाँ से बुलाया और मैं पार्क में सोया हुआ। अच्छा, मेरे को सूते सूते को उठा लाए। अच्छा, तो उन्होंने मेरे कम से कम 80 डंडे मारे। अच्छा, सातों पे। तो मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा, मेरी कोई सुनवाई ही नहीं। पुलिस वाले बोला क्या तू अपने स्थिति से कराता इनके पास? मैं इनके पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊँ, मेरे बच्चे भी तो हैं, अगर घर वाले नहीं जाती बच्चों को तो भेजो। उन्होंने बच्चों भी नहीं भेजे। मैं चलो ठीक है। फिर उसको दो दिन बाद सर, मैं दाढ़ी मजदूर भी गया हुआ, मैं रुपये कमा कर आया 700 रुपये, 5 ठेली मट्टी की दूसरी मंजिल पर चढ़ानी थी, वो चढ़ा कर आए, 700-700 रुपये इससे पड़े। तो मैंने सोचा चल बच्चों को दिया है, 150 रुपये का फल खा लेंगे। तो मैं भागा तो मेरी घरवाली किसी और के साथ में चिपकी हुई पड़ी। किसी और के साथ में चिपकी हुई पड़ी। तो मैंने देखा तुम ये क्या कर रहे हो। उसकी माँ ने भी, उसकी बहन ने भी, उसके भाई ने भी, उनके जितने भी थे सब मेरे चिपट गए। उन्होंने मुझे जी और मारा, मार पीट के। तो मैं कोई बात नहीं, जितना मारना उतना मार लो, लेकिन मेरे साथ मेरे बच्चों को भेज दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बोले कि हम नहीं भेजते, भेजते तुम्हारे साथ बच्चों को, ये बच्चे तेरे नहीं हैं, ये किसी और के बच्चे हैं। माँ मेरे को तुम्हारे साथ 18 साल हो गई, जब मेरे बच्चे नहीं दिखे तुझे, अब किसी और के कैसे हो गए? तो वहां से मैं चला। अच्छा, अभी आप क्या मांग करते हो प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, कोर्ट से, क्या कुछ मांग करते हो? मैं मांग ये करता हूँ जी, सुमन कटारिया का लड़का और मेरी घरवाली और नगीना और उसके भाई शिवा और एक है, क्या नाम है इसका, काला, ये इन्होंने मेरे साथ बहुत मार पीट के, मैंने इनके पैरों में पड़ गया, हाथ भी जोड़े, इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं प्रशासन से आप क्या मांग करते हो? सुनो सर, तो मैंने क्या कहा, मैं भूख लग रही थी मुझे, मैं खाने के लिए चला गया, वापसी आया मैं तो सुमन कटारिया के लड़के ने
इतना बड़ा डब्बा था, पता नहीं किस चीज़ का था किस चीज़ का नहीं था, उसने मेरे ऊपर डाला और उसने मेरे सर पर लाइटर जला के भगा दिया। लाइटर जला के भगा दिया। तो सर क्या हुआ भाई, ज़्यादा मत बोलो, आपको भी बोलने में परेशानी है ना, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। जो है बहुत ज़्यादा परेशानी है बोलने में, क्योंकि बहुत ही जो है दर्दनाक जो स्थिति है वो भाई की है। ज़्यादा देर हम भी जो है वो नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत ही जो दर्दनाक जो घटना है वो ये जो है वो बता रहे थे उनसे। हाँ जी, क्या कह रहे हो? तो मैंने कहा मुझे घर भेज दो, मेरी मम्मी को फोन कर दो, मुझे नहीं भाई जी, फाइनल बात बताओ, क्योंकि बोलने में आपको क्या चाहते हो ये बता दो। क्या सरकार से प्रशासन से क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे आना चाहेंगे तो आएंगे, बाकी उनको जो सजा दी जाए वो मुझे मंजूर है। सरकार कोर्ट पे छोड़ दिया, कोर्ट पे छोड़ दिया। हाँ जी, तो जो है वो भाई आपने देखा काफी दर्दनाक घटना जो है वो भाई की है। और तो और भी ऐसे ऐसे गरीब तबके की और भी जो है गरीबों की आवाज़, प्रताड़ित लोगों की आवाज़ आप तक उठाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, महेंद्रगढ़ चुंगी, चरखी दादरी, हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।